जैसे कि हम लोगों ने जो पेज बनाया था उसमें लिखा था हाय दिस इज माय वेबसाइट, तो मैं अगर इस पेज को ब्राउजर में खोलता हूँ तो मुझे इसका आउटपुट दिख जाएगा। आउटपुट दिखने के बाद अब मुझे मान लो इस पेज को वापस एडिट करना हो तो मैं क्या करूँगा, इस पेज पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा ओपन विद नोट पैड। जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो मेरा ये पेज मुझे वापस एडिटिंग करने के लिए मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ कुछ आगे टैगों की तरफ। जैसे कि मान लो मुझे वेबसाइट पर बोल्ड करना हो, तो बोल्ड के लिए जो टैग होता है वो होता है बी। मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ बी टैग, और जैसे ही मैं इसका आउटपुट देखूँगा ब्राउज़र में तो मुझे बोल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा मेरा टेक्स्ट। आगे चलता हूँ, मुझे मान लो इसको इटैलिक करना हो तो मेरे लिए इटैलिक के लिए टैग होता है आई, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इसको यू का अंडरलाइन करना हो तो मैं लिखूँगा यू। मुझे इसको स्ट्राइक थ्रू करना हो तो मैं लिखूंगा एस। मैं कहता हूं कि मुझे इसको बोल्ड भी करना है और मुझे इसको इटैलिक भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा बी। अब मैं एक और टैग चालू करूंगा यहां पर इसके बाद आई, इटैलिक करने के लिए, और इस आई को मैं क्लोज कर दूंगा। अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि मेरा बोल्ड और इटैलिक दोनों हो चुका है टेक्स्ट। बट बात आती है कि मैंने इसको बी पहले लिखा और बी को बाद में ही क्लोज करा, तो ये रूल होता है एचटीएमएल में कि जो भी टैग तुम अभी चालू कर रहे हो उसको तुम पहले ही बंद करोगे, जो टैग तुमने उससे पहले चालू किया है वो उसके बाद ही बंद होगा। आगे चलते हैं कुछ टैगों की तरफ। मान लो मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ wikipedia.com, कुछ टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए मैं विकीपीडिया से खोल के इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहता हूँ। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने एचटीएमएल पेज में और यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं डाल लेता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ, फिर डाल देता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ, फिर डाल देता हूँ। अगर मैं इसका ब्राउज़र में आउटपुट देखता हूँ तो क्या आता है, ये आउटपुट आता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पर्टिकुलर हर कोई ये क्या है, एक पैराग्राफ है, तो मैं चाहता हूँ ये एक पैराग्राफ में आए। तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पर एक टैग होता है, इसको हम कहते हैं पी। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। मेरा पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, मेरा पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पर पी को क्लोज कर दूंगा। अब मेरा दूसरा पैराग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से, पहले यहाँ पर मैं पी लिख दूंगा। आगे चलता हूँ, आगे फिर मैं इसको पी को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आगे फिर दोबारा पी पर चलता हूँ, उसके बाद फिर मेरा पी कहाँ ख़त्म हो रहा है, मेरा पी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फिर मैं लिख दूंगा। अब मैं इसको सेव करके अगर ब्राउज़र में F5 करता हूँ तो मेरी वेबसाइट पर जितने पैराग्राफ्स थे वो सब एक अलग अलग फॉर्मेट में, मुझे मुझे जिस भी फॉर्मेट में देखने थे उस फॉर्मेट में दिख रहे हैं। अब मान लो मुझे इस पैराग्राफ को अलाइनमेंट डिफाइन करना है, इस पैराग्राफ का मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट डिफाइन करना। तो मैं अलाइनमेंट डिफाइन करने के लिए मैं किसको अलाइन करना चाहता हूँ, अपने पैराग्राफ्स को। तो पैरा अलाइनमेंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि पर्टिकुलर पैराग्राफ में लगती है। यहाँ लिखेंगे हम अलाइन इज इक्वल टू राइट। अलाइनमेंट चार तरीके के होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है जस्टिफाई। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड से चालू होगा टेक्स्ट हमारा, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट होता है। राइट मीन्स कि मेरा टेक्स्ट राइट होगा। सॉरी मैंने अलाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी, सही कर लेता हूँ। ये अलाइन मेरा देखो टेक्स्ट राइट तरफ पहुँच गया। तीसरा होता है सेंटर, सेंटर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। अब एक होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई लिख देता हूँ, जस्टिफाई हो गया दोनों तरफ से एक जैसा। मुझे मान लो सारे पैराग्राफ को अलाइनमेंट देना हो तो जितने भी पैराग्राफ में चाहता हूँ मैं उस पैराग्राफ में ये अलाइनमेंट टैग मैं डाल दूंगा। आगे चलते हैं, कुछ टैगों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे सारे पैराग्राफ अलाइनमेंट हो गए, कुछ टैगों की तरफ बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो मुझे अपनी वेबसाइट पर हेडिंग लगानी हो, तो हेडिंग के लिए हमारे पास टैग होता है H1। मुझे मान लो वेलकम लिखना है, H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हेडिंग के लिए हमारे पास छह टैग होते हैं, एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3, एक होता है H4, एक होता है H5, एक होता है H6। तो जैसे जैसे टैग नीचे चलते चलते चले जाते हैं उनका फॉन्ट साइज छोटा होता चला जाता है। H1 का सबसे बड़ा होता है, H6 का सबसे छोटा होता है, H2 H1 से छोटा होगा, इसी तरीके से डिक्रीज होते चले जाते हैं। मैं आप सबों को आउटपुट दिखा देता हूँ।
इस चीज़ के बारे में जो कि मैं बता रहा हूँ। ये H2 था, अब मैं बढ़ता हूँ H3 की तरफ, H3, अब मैं बढ़ता हूँ H4 की तरफ, ये तो H4, बढ़ता हूँ H5 की तरफ, H5, मैं बढ़ता हूँ H6 की तरफ, तो H6, सेव कर देता हूँ। सेव करके अगर मैं इसको ब्राउज़र में आउटपुट देखता हूँ तो मेरे पास छः तरीके के आ गए। और आप जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि एक से दूसरा घटता चला जाएगा तो घटते चले गए। आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। जैसे कि मान लो मेरा ये वेब पेज है, इस वेब पेज में मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बैकग्राउंड का कलर डिफाइन करना है। तो बैकग्राउंड का कलर डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा टैग है बॉडी, उस बॉडी में एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। मुझे मान लो बैकग्राउंड कलर लगाना है रेड कलर का, मैं रेड लिख दूंगा और इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद F5 करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर पेज में आ जाएगा। मुझे बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर दिया। अब मान लो मुझे, मेरे को ये कोई ऐसा कलर लगाना है जिसके पास मुझ पर कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोड मैं नहीं जानता वो कौन सा कलर है। एग्जाम्पल तौर पे किसी कलर की ओर चले चलते हैं, ऐसा मैं फोटोशॉप खोल लेता हूँ। अब मान लो मुझे वेबसाइट पे ये कलर लगाना है, ये अब ये कौन सा कलर है ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करूँगा। इस कोड को कॉपी करने के बाद अपने वेब पेज में जाऊँगा और यहाँ पे हैश लगा दूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरा वेब वहाँ पे जो भी मैं कलर चाहता था वो अब मेरे वेब पेज पे आउटपुट में आ गया। अब बढ़ता हूँ मैं टेक्स्ट कलर की तरफ। मान लो मुझे वेबसाइट में टेक्स्ट कलर को चेंज करना हो, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। मुझे टेक्स्ट कलर कौन से कलर का चाहिए, मुझे चाहिए रेड कलर का, रेड लिख दूंगा और सेव कर दूंगा, रेड हो गया। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा वेब पेज है, ये वेब पेज बिल्कुल लेफ्ट साइड से और टॉप से, बॉटम से और राइट से बिल्कुल चिपक के चालू हो रहा है, थोड़ा सा गैप छोड़ रहा है बट बिल्कुल चिपक के चालू हो रहा है। मान लो अगर मुझे अपने वेब पेज में मार्जिन देना हो कि मेरा जो कंटेंट है वेब पेज का वो थोड़ा सा हट के चालू हो, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ मार्जिन का। अब मार्जिन चार तरीके के होते हैं, होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। मान लो अगर मुझे यहाँ पर मार्जिन देना हो तो मैं इस्तेमाल करता हूँ टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन मुझे कितना देना है, 100। जैसे इसको सेव करके F5 देखूंगा तो मेरा वेब पेज ऊपर 100 पिक्सल छोड़ के चालू होगा। मुझे लेफ्ट मार्जिन देना है तो मैं टॉप की जगह लेफ्ट लिख दूंगा, राइट मार्जिन देना है तो राइट लिख दूंगा, बॉटम देना है तो बॉटम। वैसे ही बढ़ते हैं कुछ आगे टैगों की तरफ। जैसे कि मुझे मान लो अपनी वेबसाइट पे कुछ लिस्ट में डालना है, तो लिस्ट में डालने के लिए मेरे पास टैग होता है LI। अब लिस्ट जो होती है वो दो तरीके की होती हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट एक होती है अन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 या ABCD या रोमन में आप लोग I लिखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, डिस्क। तो अब बात करते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट की। मान लो मुझे वेबसाइट पर लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ किसका, ऑर्डर्ड लिस्ट का। मैं LI लिखता हूँ, LI में मान लो मुझे यहाँ पे लिखना हो सर्विसेज, डिटेल्स, वेब डेवलपमेंट, मैं इसको सेव करके अगर ब्राउजर में देखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाता है ये। अब मान लो मैं चाहता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट होती है, मैं चाहता हूँ इसको OL में कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ पे OL लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ OL को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये OL में कन्वर्ट हो गई। मैं चाहता हूँ ये ABCD दिखाए 1 2 3 की जगह, तो यहाँ पे टाइप लिखता हूँ और यहाँ पे A कर देता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो गई ABCD में। मेरे को रोमन में चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर I।
अब मुझे मान लो यूएल इस्तेमाल करना है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पर लग देता हूँ यूएल। यूएल के लिए मैं इस पर अभी कुछ नहीं लगाता, बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो मैंने यहाँ पर यूएल लिख दिया, अब मैं यूएल को अगर सेव करके ब्राउज़र में देखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाता है ये। अब मान लो मुझे यूएल में बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप आ रही है वो डिस्क आ रही है, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको स्क्वायर करना है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर टाइप लिखता हूँ और इसको करता हूँ SQUARE। अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखता हूँ तो मेरा स्क्वायर शेप में ये लोग ये आ जाता है। मुझे स्क्वायर नहीं सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्कल SIRCLE, सॉरी CIRCLE। तो ये मेरी थी लिस्ट।